बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं लाल लोबिया, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और पकाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। और ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा मकबूल डिश है, तो इस वजह से मैंने कहा आप लोग किचन से तो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाती हैं, रोस्ट मिल जाती हैं, तो ऐसी रेसिपीज़ जो नीड होती हैं, तो मैंने कहा चलिए ये वाली मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जो डेली रूटीन में भी हमें यूज़ आती हैं। सबसे पहले हमने इसलिए खुश मसाले ले लिए हैं, लाल मिर्चियाँ, खुश धनिया, सलवंजी, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ग्रीन चिलीज ले लिए, ज़ीरा और मेथी ले लिए, टमाटर और प्याज, छोटे से थोड़े से इन्ग्रीडियंट है इससे। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है, उसके अंदर हमने प्याज डाला है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसे गोल्डन ब्राउन के तक रखना है। बस गोल्डन ब्राउन जब हमारा प्याज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन को जब मैंने पीस लिया था, अदरक लहसुन को, तो इससे अंदर मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया, ये जब मैं फ़ौरन डालूँ सालन में तो ये जले ना और इसका टेस्ट भी ख़त्म ना हो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये आप ज़रूर आजमाएं, आप तो काम आएगी ज़रूर। इसके बाद आपने खुश मसाले डाल दिए, मिर्चें, हल्दी, नमक, खुश धनिया, ये सारे मसाले डालने के बाद हमने सालन को भूनना है, मसाले जो हैं वो सारे भुन जाए। आपने तकरीबन 2-3 मिनट तक सालन को भूनना है। और ये भी होता है जब मिर्चें फ़ौरन से जलना शुरू हो जाती है, इसलिए आप फ्लेम को थोड़ा स्लो रखें। जब ये मिर्चें और हल्दी वगैरह भुन जाएँ तो फिर इसके अंदर आप ग्रीन चिली शामिल करें, टमाटर शामिल करें और सालन को दोबारा से भुनना शुरू कर दें। ये इसके अंदर हमें खड़े टमाटर तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने मसाले को भुनना है। टमाटर जो हैं वो इन सारा मसाला सा बन जाए, ये साबुत साबुत नज़र ना आए, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से हिला के भुन रहे हैं। और साथ ही में चम्मच की मदद से टमाटरों को पीस भी रही हूँ। तो इससे बाद आप अपना उबला हुआ जो ऑलरेडी हमने बॉयल कर लिया है लाल लोबिया, वो इसमें शामिल करें। अब लाल लोबिया तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी देर हमने इसको भूनना है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया है भूनते वक्त। ये इसकी एक खुशबू, मतलब इसकी खुशबू होती है लाल लोबिया की, वो वाली जो है ना वो खाने में मज़ा नहीं करती, तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ी मेथी शामिल किया है। एंड थोड़ा सा पानी डाल के हमने थोड़े से दम पे ले जाया और फिर देखें हमारा इतना ज़बरदस्त सालन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया दीजिए एंड हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई है।